वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज के इस लेक्चर में हम बुल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट के बारे में सीखने वाले हैं कि ये टेस्ट हम कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन सी अप्रेंटिस रिक्वायर्ड होंगे, इसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या है, ठीक है, और साथ में इसका रिजल्ट हम कैसे बनाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए इसका कोड इस टेस्ट का है इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 3। देखिएगा द बुल्क डेंसिटी ऑफ यूनिट वेट ऑफ एन एग्रीगेट इज द मास ऑफ वेट ऑफ द एग्रीगेट दैट रिक्वायर्ड टू फिल ए कंटेनर ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। बुल्क डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। देखिए किस पर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन द पैकिंग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, आइदर लूजली पैक्ड एग्रीगेट ऑफ और वेल डेंस कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट, ठीक है, इन केस ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल इज नोन देन इट डिपेंडेड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, देखिएगा यहां पर आपको जो है पहले ये समझना होगा। तो ये हो गया लोअर बुल्क डेंसिटी और ये हो गया हायर बुल्क डेंसिटी। ये लोअर हो गया, ये क्या हो गया आपको, ये हायर हो गया, देख लीजिए यहां आपको देख सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट में हम कौन कौन से अप्रेंटिस यूज करते हैं ये जानने से पहले थोड़ा सा यहां आप लोग देख लीजिए। देखिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 812 है स्पेसिफाइड द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टेड, तो दो होते हैं इसमें, हो गया कि लूज, ठीक है, अनकॉम्पैक्टेड एक होता है कॉम्पैक्टेड, ठीक है, तो ये दो तरह से होते हैं। देखिएगा मोस्ट एग्रीगेट है, देखिएगा कितना है बिटवीन 2.4 से लेकर 2.9 आवर 2400 से लेकर 2900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका जो होगा डेंसिटी इसकी होगी तो आपको लेकर 2400 से लेकर 2900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, कि दो मेथड है इसके लिए, पहला है कॉम्पैक्टेड वेट मेथड और दूसरा है लूज वेट मेथड। अप्रेंटिस कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं देख लीजिए, एक छोटा सा टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी इसलिए आपको दे रहे हैं, तमाम चीज़ों की अगर एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाए। देखिएगा अप्रेंटिस रिक्वायर्ड कौन कौन सी होती है, देखिएगा डेंसिटी बकेट वॉल्यूम इसकी कितनी होती है 15 लीटर की होती है, ठीक है, टेम्परिंग्रॉड 16 mm डायमीटर होता है, 60 सेंटीमीटर लंबा होता है और बैलेंस, ठीक है, इसमें एक बैलेंस की जरूरत होती है वेट करने के लिए आपको। ठीक है, देखिएगा आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा एयर है, वाटर है और लिक्विड है। देखिए यहां पर बुकेट हो गई आपकी, ये आपको हो गया टेम्परिंग रॉड हो गई, ये बुकेट हो गई, ठीक है, ये है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं एग्रीगेट को भर दें, पहले कोटिंग एग्रीगेट भरेंगे फिर इससे क्या करेंगे आपका जो टेम्पर्ड रॉड है उसके इसकी कुटाई करते हैं फिर भरते हैं, फिर इसलिए तीन चार लेयर में इसकी कुटाई करने के बाद इसको फिर पूरा जब भर जाता है तो टेम्परिंग रॉड से इसको बिल्कुल रोल करके बिल्कुल बैलेंस कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं कि ये इसमें बिल्कुल फिट हो जाए। इसकी कैपेसिटी कितनी है 15 लीटर होती है, फिर इसको हम वेट करते हैं, वेट करने के बाद मेरे पास टेबल है उसमें हम इसको नोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से तीन बार इसको हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्टेड के लिए दो तरह के टेस्ट आपको मैंने बताया था, देखिएगा कॉम्पैक्टेड वेट मेथड के लिए क्या करते हैं, एक बार मैंने किया, दोबारा किया, तिबारा किया, फिर इसको इसी को फिर वापस पलटेंगे जो एग्रीगेट था, फिर वापस करेंगे, फिर इसको टेम्परिंग करेंगे अच्छे से और फिर इसको वेट करेंगे, तीन बार ऐसे करेंगे। ठीक है, करने के बाद फिर इसमें पानी रख के पानी को भी हम बिल्कुल इसको वेट कर लेते हैं, बराबर वेट इसमें कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको जो है लूज वेट मेथड चाहिए तो इसमें सिर्फ हम इसको भरते हैं, इसको टेम्परिंग अच्छे से नहीं करते, सिर्फ भरते हैं इसकी इसके मदद से जो है इसको रोल करके बराबर करके इसको वेट कर लेते हैं, करने के बाद फिर इसको नोट कर लेते हैं कैसे। चलिए टेबल है आपको दिखाते हैं, यहाँ पहला टेबल है लूज बुल्क डेंसिटी रिजल्ट आपका यहां पर है, देखिएगा तो आपको सीरियल नंबर 1, 2, 3 तीन मैंने कहा था, देखिएगा सिलेंडर प्लस एग्रीगेट इसका वेट यहां पर है 32.592 आपका हो गया, पहली बार दूसरी बार 32.611 और तीसरी बार 32.652। उसी तरह देखिएगा इम्पैटी वेट ऑफ सिलेंडर केजी, तो सिलेंडर कितना का था 9.081 देखिएगा, एग्रीगेट वेट ऑफ केजी में कितना आया था देखिए 23.511, फिर दूसरी मरतबा 23.529 और 23.571। ठीक है, आपका होगा वॉल्यूम कितना आया देखिएगा 14.532, 14.541 और 14.541
492, इसको क्या करेंगे हम, इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। और उसका इसको फॉर्मूला है, देखिए इसका फॉर्मूला है आपको क्या होता है, देखिएगा बुलटेंसी बराबर टोटल वेट बाय वॉल्यूम लीटर में, तो देखिएगा टोटल वेट मेरा इतना था, भाग दिया मैंने इसको, तो ये आपको आ गया 1.620 केजी पर लीटर। उसी तरह कॉम्पैक्टेड के लिए देख लीजिएगा, मेट बुल डेंसिटी तो क्या हुआ, पहली बार में 3 सेम है सिलेंडर प्लस एग्रीगेट, ठीक है, तो 34.965 आया, 35.081 और 34.942 हो गया। सिलेंडर का वजन देखिएगा 9.08 बराबर है और एग्रीगेट वेट ऑफ केजी तो कितना आया 25.882, 26.001 और 25.872 और वॉल्यूम कितना आया तो 14.531, 14.541 और 14.489, ठीक है। इसको भी फॉर्मूला की हेल्प से हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो बुल्क सेंसिटी हमने निकाला है तो टोटल वेट देखिएगा तो आपको कितना आया ये 1.7829 केजी पर लीटर और ये कितना आया था 1.620 केजी पर लीटर। तो देखिएगा ये लूज हुआ और ये कॉम्पैक्टेड हुआ। इस टेस्ट से को हम करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं हम कि इसमें जो है हम जो है साइज ऑफ देखिएगा कंटेनर फॉर बुल्क डेंसिटी जो हम यूज करते हैं, देखिएगा ये है ये, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, छोटा सा टेस्ट है, फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने है। पहले अगर आपको कॉम्पैक्टेड करना होगा तो उसके लिए हम जो है उसकी कुटाई करते हैं एग्रीगेट की और तब उसको जो है वो बुकेट में फुल करने के बाद तब इसको करते हैं। लूज अगर हमको करना है तो सिर्फ इसमें हम बुकेट में भर देते हैं, भरने के बाद इसको रोल करके बराबर कर लेते हैं, फिर इसका वेट करते हैं जैसा मैंने बताया था, फिर वाटर का वेट करते हैं, देख लेते हैं और फिर इसको करते हैं। तो ये छोटा सा टेस्ट था, ठीक है, ये देखने के लिए कि जो है कैसे हम बुल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट प्राप्त करते हैं। तो आई होप कि हम समझ गए होंगे, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शिकायत या सुझाव आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए डेट्स ऑल, गुड बाय।